एग्जाम में 28 डेज बचे हुए ऐसे में स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत निगेटिविटी आ रही है। मैं आज बात करूंगा उन 99% स्टूडेंट्स की जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। भाई 1% लोग 1% स्टूडेंट्स की तैयारी प्रॉपर चल रही है, वो बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, नो डाउट वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखे हैं, उनकी रिजल्ट भी बेहतर आएगी ऐसा उन्हें पहले से पता है क्योंकि वो साल भर मेहनत किए हैं, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर कोई भी टेंशन नहीं है। पर आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 99% स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है कि क्या होगा उन सपनों का जिन सपनों को हमने देखा था, उन सपनों का क्या होगा जो आपके माता पिता ने सजाए हैं कि मेरा भी बच्चा बोर्ड एग्जाम में 95% आएगा। उन सपनों का क्या होगा बेटा, आप भी कहते थे ना कि पापा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इस बार मैं बहुत अच्छे नंबर पाऊंगा और जो भी आप हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनको मैं पूरी तरह से उस पर खरा उतरूंगा। पर आज आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है कि आपकी प्रॉपर तैयारी नहीं हुई है। आपके मन में आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को लेके आज से एक डर बैठ गया है, कहीं मैं वो काम ना कर पाया तो क्या होगा जो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे एक्सपेक्ट किया है, कहीं मैं वो ना कर पाया जो मैंने चैलेंज किया था कि तू देख लेना मैं 95% लेकर आऊंगा तो क्या होगा। और ये डर भी होना लाजमी है क्योंकि जब आप किसी बड़े काम को करने जाते हो तो 1% डर होना जरूरी है। पर आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि 1% है, प्रॉब्लम ये है कि ये डर आप पे हावी हो रहा है। तो आज के सेशन का बस इतनी सी बात बोलूंगा कि इस 28 डेज में आपको कैसे स्ट्रेटजी रखनी है, कैसे इस डर से बचना है, कैसे इस नेगेटिव एटीट्यूड से बचना है, कैसे इस होपलेस करने वाली एक्टिविटी से बचना है, इन सारी बातों में आज जिक्र करूंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई, मैंने एक निगेटिव पोर्शन महसूस किया, मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आज उन 99% स्टूडेंट्स की बात करने आया हूं जिनकी तैयारी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, जिनके मन में एक डर है, एक वहम है कि मैं सही में कर पाऊंगा कि नहीं। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है बी हु यू वांट टू बी, वो बनो जो तुम चाहते हो। और बिल्कुल आप बन सकते हो, इस बात में कोई दो राय नहीं है, आप वो बन सकते हो, बशर्ते आपको यकीनन एक प्लान की आवश्यकता होती है। इस लास्ट 28 डेज के प्लान में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एग्जाम के फेयर से, कैसे आप डिप्रेशन से, कैसे उन सपनों के टूटने से जो घबरा रहे हो वो आपकी घबराहट दूर की जाएगी। और ऐसे बच्चों के लिए आज मैं बात करने वाला हूं जिनके लिए कोई यूट्यूब पे बात नहीं करता। तो चलिए, आपके मन में ये ख्याल आना लाजमी है कि फिजिक्स के डेरिवेशन मुझे नहीं तैयार है, बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मुझसे नहीं होती, बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, हिंदी मैंने साल भर पढ़ी नहीं, बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, इंग्लिश मैंने साल भर पढ़ी नहीं, बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, और अगर मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उसमें भी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो पा रहा है, जब मैं अनसाल के पन्नों को लेके बैठता हूं सर तो 70-80% क्वेश्चन ही हो पाते हैं, मुझे डर लग रहा है कि अगर एग्जाम में यही पेपर आ गया मुझसे यही नहीं हो रहा है तो नया वाला कैसे होगा। और ये डर एक बच्चे के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 99% बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। रीजन क्या है उसका, रीजन ये है, सबसे पहले मैं शॉर्ट लिस्ट करके बताऊंगा कैसे इनको शॉर्ट आउट करना और रीजन भी बताऊंगा। रीजन ये है बेटा कि आप शुरू से उतने सीरियस हुए नहीं और आपने सोचा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पर आज ये प्रॉब्लम आपके सामने आई है। बट अभी भी कह रहा हूँ हो जाएगा भाई, वो तुम ही हो जो अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, मत डरो यार, नहीं टूटेगा वो सपना, नहीं छूटेगा वो उम्मीद, सब कुछ करोगे तुम, सब कुछ, बस उड़ान भरने रहना, उड़ान भरना है तुमको, जो मैं आज बता रहा हूँ उस चीज़ को थान लेना, मेहनत करनी है, तुमको एक स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। देखिए भैया, सबसे पहले तो जब भी तुम अनसाल पेपर को लगाने बैठते हो तो अनसाल पेपर में 130 उनके लिए जो 100 नंबर के पेपर हैं, 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर अगर आपका है बेटा तो 95 नंबर के क्वेश्चन लगभग उसमें पूछे जाते हैं। अब आप सभी को पता है कि जो लॉन्ग आंसर आते हैं उसमें ऑप्शनल आते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है भाई कि आप 95 में 95 कर पाओगे, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए कहता हूं कि हमेशा अनसाल से डायरेक्ट मत पढ़ो, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा बेटा, और एक कॉन्फिडेंस लूज होने की कीमत हार में बदल सकती है। कभी भी अपने आप को होपलेस मत होने देना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं उन सारे पेरेंट्स से जिन्होंने उम्मीद की है, बहुत अच्छी बात है, एक्सपेक्टेशन की है, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, अपने बच्चों को आप सभी से रिक्वेस्ट है ये जरूर कहना कि तुम अच्छा करोगे तो भी हम आपके साथ हैं, तुम बुरा करोगे, बुरा इन द सेंस थोड़ा कमजोर, थोड़ा कम नंबर पाए हमारी एक्सपेक्टेशन पे, तो भी हम आपके साथ हैं, पर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जाम है बेटा, ये जिंदगी का लास्ट एग्जाम नहीं है, ये जिंदगी का पहला एग्जाम है, है ना। हाँ मानता हूँ कि बोर्ड एग्जाम पूरे लाइफ आपसे पूछा जाएगा, नो डाउट, तो तैयारी करो ना। इस फेयर ऑफ लूजिंग, ये जो डर आपके दिमाग में चल रहा है भाई कि हम हार जाएंगे, ये क्यों लेकर बैठे हो। तो सारे पेरेंट्स से अपील करूंगा, बच्चों का सपोर्ट करिए, बोर्ड एग्जाम के टाइम में जितना एक टीचर बच्चों का सपोर्ट करता है उससे कहीं ज़्यादा उनके पेरेंट्स प्राइमरी टीचर होते हैं, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, उनको सहारा दीजिए, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी करो, तुम कर लोगे, बेटर करोगे, नो डाउट, ना कि ऐसे शब्दों का चयन करिए तुझसे कुछ नहीं होगा, दिन भर तू घूमा या पढ़ने बैठा है, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम पास हो जाओ बड़ी बात है,
60% तो अरे क्या बात है बेटा, ऐसे शब्दों से बचिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे पेरेंट्स से, ऐसे शब्दों से आप भी बचिएगा। आपके एक शब्द, आपके एक वाक्य किसी भी स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठ सकता है। तो डिप्रेशन से, एंजाइटी से, प्रेशर से, डर से, इन सब से अगर अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को बचाना है तो इस रिक्वेस्ट को मेरे आप सभी प्लीज मानिएगा। एक सजेशन है जो मुझे रियलाइज हुआ 4-6 बच्चों से 10 बच्चों से बात करके कि वो कैसा फील कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम 28 डेज है, तैयारी होना ना होना अलग बात है, लेकिन ऐसे शब्दों का चयन होना ये गलत बात है। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसको ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं कि लास्ट 20 डेज आप क्या करिए। सबसे पहले छोड़ दीजिए अनसाल, मत लगाइए डायरेक्ट, कॉन्फिडेंस लूज होगा। मत लगाइए मॉडल पेपर, कॉन्फिडेंस लूज होगा। चैप्टर वाइज स्टडी करिए भाई, चैप्टर वाइज कैसे करना है सर जी, तुमको आता है हेलो एल्केन, हेलोरिन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? हाँ सर, जितने क्वेश्चन अनसाल में है खंगाल डालो, लगा डालो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बूस्ट होगा। मेरा 7 नंबर तैयार हो गया, मेरा सर 8 नंबर तैयार हो गया। लेकिन जब तुम पूरा पेपर एक साथ लेके बैठोगे, यकीन मानो सारे क्वेश्चन किसी से नहीं होते भाई, टॉपर कहीं अलग से थोड़ी ना आते हैं, सारे क्वेश्चन उससे होते हैं बेटा जो एकदम शुरू से मेहनत करते लग गया। अब तुम हिट एंड ट्रायल वाला मेथड अपनाओ, मुझे वही पढ़ना है जो एग्जाम में, पढ़ो वही जो एग्जाम में, क्योंकि अब टाइम नहीं है भाई तुम्हारे पास ज्ञान लेने का। तो क्या करें सर, चैप्टर वाइज स्टडी करिए, पर्टिकुलर एक यूनिट उठाइए, उस यूनिट से जितने क्वेश्चन पीवाई के जो वो सॉल्व करिए, कॉन्फिडेंस आएगा, नो डाउट आएगा। लेकिन जैसे ही तुम गोताखोरी के चक्कर में कूद पड़े अनसॉल्व के ऊपर कि मैं तो पूरा सेट करूंगा, यकीन मानो जो तुमको आ रहा है वो भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज कर देगा। ऐसे नहीं पढ़ना आपको, लास्ट 20 डेज जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं इस तरह से पढ़ना है। जो छूट गया वो छूट जाने दो यार, उस एक के चक्कर में तुम और चीजें क्यों छोड़ रहे हो भाई, उस एक के चक्कर में अपने सपनों को क्यों तोड़ रहे हो भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूं मत छोड़ो, जो तुमको आ रहा है उस पर वर्क करो, जो नहीं आ रहा थोड़ा थोड़ा वर्क करो कि कैसे मैं 10 में 5 पा जाऊंगा। फिजिक्स का डेरिवेशन नहीं आ रहा, ठीक है 10 डेरिवेशन वही तैयार करो, गूगल केमिस्ट्री चैनल पर अपलोड कराऊंगा जो हर बार एग्जाम में आते हैं, आप तैयार करके जाओ, 70 में 60 ही लाओगे। लेकिन ये 70 में 70 का सपना रखे हो, इसके चक्कर में अपने दिमाग को खराब करके 0 नंबर ना पा जाओ, ये भी तो ध्यान रखना आपको। तो क्या करना है सर, ऑर्गेनिक की रिएक्शन नहीं आ रही है कोई बात नहीं, गूगल केमिस्ट्री आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देगी। अगले 28 दिन सारे बच्चों को यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने, मैं कभी सलाह नहीं देता पूरा पेपर लेके बैठ जाइए। हाँ टाइम मैनेजमेंट की रही बात, तो जब तुम टाइम मैनेजमेंट का डिटेल, जब भी तुम टाइम मैनेजमेंट का चेक करना चाहो तो एग्जाम लिखते रहो। राइटिंग स्किल बहुत अच्छी क्वालिटी है, नो डाउट, लेकिन प्यारे बच्चों डिप्रेशन उससे गंदी क्वालिटी है। तुम्हारे अंदर एक अच्छी आदत हो ना हो तुम टॉपर बन सकते हो, लेकिन अगर एक भी निगेटिविटी आ गई बेटा यू कैन नॉट बिकम ए टॉपर, आप नहीं बन सकते। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप को समझाइए भाई हम ही हैं, हम ही को करना है, हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं आएगा। और जितना टाइम बचा 28 दिन में यार जान लगा दो, धूम मचा दो एकदम, तुम्हारे अलावा कोई नहीं आएगा करने। हम तुमसे कहते हैं ला रहा हूँ एक सीरीज फिर से, गूगल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाना, देखना कितने वीडियोज है भाई तुम्हारी तैयारी को लेकर, फिर से सीरीज ला रहा हूँ। अब वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में छपने वाले हैं, हर चैप्टर का वन शॉट में वही वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स सब लाऊंगा। लेकिन प्यारे बच्चों आपकी जिम्मेदारी, अब इनको आप फॉलो करिए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। ये सारी बातें जो मैंने आपसे बोली, 99% बच्चे सोच रहे हैं उनको मत सोचिए, मत सोचिए क्या होगा उन सपनों का, ये सोचिए कि मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारने वाला हूं, मुझे करके दिखाना है। तो इन सारी बातों के साथ बस इतना बोलूंगा कि आप करने पे फोकस करिए, ना कि क्या नहीं हो रहा है उस पे फोकस करिए। और डू नॉट सर्च परफेक्शन, मैं ऑलवेज बोलता हूं बेटा कि ये नहीं कि आप पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे, अब तो प्रोक्रेस्टिनेशन कर ही नहीं सकते भाई, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है प्रोक्रेस्टिनेशन करने का। जो सामने दिखे पूछा गया है करो करो करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी कोई भी तैयारी करनी है, पहले कुछ सिलेक्टेड चैप्टर उठाओ, उन चैप्टर को पढ़ो और पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज करने का फार्मूला क्या है सर, पीवाईक्यूज करने का फायदा क्या है बेटा, कि जब तुम 10 क्वेश्चन करते हो तो साइकोलॉजी कहती है कि अगले 10 उस टाइप के क्वेश्चन तुम कर सकते हो भले तुम ना पढ़े हो। तो प्रैक्टिस करने से ये फायदा, और राइटिंग स्किल तो बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होती है। तो अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छा ज्ञान है बहुत अच्छी बात है, पर रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है बेटा, तो रिप्रेजेंटेशन पे भी फोकस करिए। अब ऐसे वीडियोस को जरूर बीच बीच में देखिए, मैं खुद लाऊंगा कि बोर्ड की कॉपी कैसे लिखो, कैसे 5 नंबर के क्वेश्चन को लिखना, कैसे 2 नंबर के क्वेश्चन को लिखना, कैसे 1 नंबर के क्वेश्चन को लिखना है। और लास्ट में जाते जाते फिर इतना बोलूंगा, इस वीडियो से अगर तुम्हारी हेल्प हुई है तो शेयर करना उन सारे स्टूडेंट्स को जो ये सारी बातें अपने दिमाग में लेकर भूसे की तरह ढो रहे हैं। बेटा पढ़ाई कर लो, टाइम बहुत कम है, पर केवल और केवल उन्हीं बातों को करना है तुमको जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो। इसलिए लास्ट में बस इतना बोलूंगा कि लास्ट 28 दिन तुम गवा नहीं सकते, तुमको मेहनत करनी होगी, पूरे डेडिकेशन के साथ जुनून जगा लो यार, मुझे करना है मैं करूंगा, तुम्हारे अलावा कोई आएगा करने नहीं ना, तो फिर किस बात का तुमको चिंता। और हारोगे तो हारोगे ना, कम से कम अभी मत सोचो कि हार गए, जीतने का सोचो जीत जाओगे, वो वाली बात सुने हो ना, तुम कोशिश एक करोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन जब आपकी सफलता है शोर मचाएंगी। उस सफलता को देखने के लिए पूरी गूगल केमिस्ट्री की टीम आपके साथ खड़ी है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, मचाते रहो।